1985 ने 6 अगस्त 2023 को दिल्ली में स्टार ब्रिलियंट अवार्ड और दूसरे ज्योति शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। यह आयोजन पश्चिम विहार दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन में श्री अजय भाभी जी, श्री पद्म उपाध्याय जी, श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी के साथ साथ इन्फिनिटी फाइव, रीता वर्मा, डॉक्टर सूर्य अग्रवाल, अमित बहल, दीपक नामदेव और सोनी पांडे के द्वारा किया गया। ईश्वर की वंदना से कार्यक्रम के शुरुआत होने के बाद मुख्य अतिथि गण श्री दयानंद चंदेला, श्री अजय भाभी जी, श्री पद्म उपाध्याय जी और श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। पूर्व विधायक श्री दयानंद चंदेला जी ने भी अपने जीवन के अनुभव को साझा किया। श्री अजय भाभी जी ने सामुद्रिक शास्त्र और अपने जीवन के ज्योतिष से जुड़े हुए अनुभव को साझा किया। श्री पद्म उपाध्याय जी ने अपने वक्तव्य में आध्यात्मिकता और के अनुसार और अपने अनुभव साझा किए। वहीं श्री सिद्धार्थ एस कुमार जी ने ज्योतिष के नाम के महत्व और साथ ही साथ जीवन के काम करने के विषय पर अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में अंक ज्योतिष विशेषज्ञ दीपक नामदेव जी, आचार्य राजीव गोयल, आचार्य मनीष अग्रवाल, आचार्य सोनी पांडे, आंचल चावला और आचार्य जय बनर्जी ने भी अपने विचार और अनुभव साझा किए। आचार्य सोनी पांडे जी ने ईश्वर की देवते शक्ति को स्मरण करते हुए ध्यान योग भी कराया और कार्यक्रम में सम्मिलित आगंतुकों को दिव्य रोमांच से भर दिया। डॉक्टर सूर्य अग्रवाल ने मंच का संचालन किया। ज्योतिष सम्मेलन के बाद देश विदेश में ज्योतिष में उम्दा काम करने वालों विद्वानों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर मुख्य अतिथि गण श्री दयानंद चंदेला श्री। मेरा नाम है डॉक्टर अजय भांबी और आज का जो इवेंट है वो ब्रिलियंट अवार्ड्स हैं और इसमें मेरे को इन लोगों ने बुलाया, इनका धन्यवाद। आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। आज के बारे में जो थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताइए सर। आज का इवेंट बहुत अच्छा इवेंट है, ये रीता जी कर रही हैं और ये शायद उनका पहला इवेंट है और इसमें जो भी अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पेस रीडर्स हैं, उन सबको प्रमोट कर रही हैं। ये अच्छा तरीका है, इस तरह से प्रमोट किया जाए लोगों को, लोग आगे बढ़ें। अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को इंस्पायर करता है, मुझे और भी अच्छा कुछ करना चाहिए, और लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो एक अच्छा बिगनिंग है उनके लिए और काफ़ी अच्छा क्राउड है और पदम जी भी आए हुए हैं, तो आई थिंक एक अच्छा कार्यक्रम। और कुछ और आज एस्ट्रोलॉजर के बारे में थोड़ा सा उनके क्या आगे वो कर सके। हाँ, ज्योतिषी को ईमानदार होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति उसकी नॉलेज होना चाहिए और ज्योतिषी का बड़ा रोल है समाज में पिछले 5000 साल से। तो वेदों ने ज्योतिष को नेत्र बोला, तो नेत्र का मतलब ये है कि वेद को समझना हो तो आपको ज्योतिष को जानना चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो जो भी लोग ज्योतिष में आते हैं, अच्छा प्रोफेशन है, थोड़े समय के बाद भी आप कमा सकते हैं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जिसमें आप इनका आपको इनकम जनरेट हो सके, तो युवाओं के लिए एक अच्छा है। और अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आप ज्योतिष की साख बढ़ाते हैं और ज्योतिष की साख बढ़ती है तो हमारे हिंदुइज्म की साख बढ़ती है, तो जो हमारा सनातन प्रक्रिया है उसमें हमारा सबका योगदान होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसा करना चाहिए। जैसे आज फ्रेंडशिप डे भी है तो आपको नए नए आज यहाँ फ्रेंड भी मिले हैं। हाँ, फ्रेंडशिप डे है। हाँ, हिंदू हम तो रोज ही मित्र जब मानते हैं सबको, लेकिन आजकल तो फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, चाइल्ड डे, पता नहीं क्या क्या होता है, बट एनी वे मैं यहाँ बहुत नए मित्रों से मिला और मुझे सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। रामदेव, और ये जो इवेंट हो रहा है ये एक हमारी टीम बनी
करनी है, जैसे हमने इन्फिनिटी 5 का नाम दिया है और ये जो अवार्ड है इसे स्टार ब्रिलियंस अवार्ड का नाम दिया है और ये हमारा फर्स्ट इनिशिएट है और इसके अंदर हम उन लोगों को बुला रहे हैं जो ऑकल्ट साइंस के अंदर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज का भला करते हैं, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं ताकि वो अपने ज़िंदगी में ये देखें कि उन्होंने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं या विद्या ग्रहण किए हैं या कोई भी हुनर है उनके पास पराविज्ञान का, उनको सम्मानित, उनके अच्छा एक मोटिवेशन मिले और इससे आगे वो और भी दुनिया का आगे मार्गदर्शन कर सके। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी हमारी पहल है ये ऐसे, और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है। पहले इवेंट में हमारा 180 प्लस लोगों का हुआ है तो ये एक बहुत ही बड़ा एक फिगर है, मतलब बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन फिगर है। तो धन्यवाद आप सभी का भी जो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ऐसे हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कहते हैं कि आगे हमारे जितने भी इवेंट हो सब सफल हो। आगे क्या क्या इवेंट में सोचा है करने के लिए? आगे बस ये इसको और अलग अलग सिटी में हमारा प्रोग्राम है, अलग अलग सिटी में जाकर के इसको और एक्सप्लोर करने का और इस पूरे जो नाम है हमारा ये पूरा एस्टैब्लिश ब्रांड बनाने का हमारा पूरा एक वो है जी। और जैसे कि युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी को आप वेद के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति सक्सेस होता है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, तो सब अपने जीवन में स्पिरिचुअल से कनेक्ट है तभी वो एक अच्छे बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी घर के अंदर जो भी खाना बनता है पहले वो सिद्धि विनायक के यहाँ भोग लगता है, मां जकरबर्ग पहले अभी नीम करोली बाबा के यहाँ पे आते हैं तब जाकर उनकी कंपनी थी ग्रो कर रही है। जो व्यक्ति कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक रहता है चाहे वो कोई भी हो वो डाउनफॉल जरूर आता है, तो उसे कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए कि ये भी चीज़ें होती हैं। कंप्लीटली आप अगर मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो कभी ना कभी आपका डाउनफॉल निश्चित है। रखा गया उसके बारे में आपको बताना है, आपको कैसा लगा इवेंट? एक्चुअली मैं नीता आर गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु प्रैक्टिशनर। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अभी स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी व्हाट विल बी इन द फ्यूचर, बट बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इन्फिनिटी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आज की युवा पीढ़ी जो है एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, आपने देखा होगा 50% होता है यही है जी बिल्कुल, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या ये अपनी जो भी विद्याएं हैं इनको आप इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि दे आर द गाइड। आप ये मत समझिए कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर आप उसको एक गाइड, जब आप कहीं घूमने जाते हैं एक गाइड को लेके जाते हैं तो वो वहाँ की सारी चीज़ें आपको बताता है, समझाता है। तो अगर इसको भी आप एक गाइड की तरह, एस्ट्रोलॉजी को एक गाइड की तरह लेके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली मुश्किलें हैं उनको आप फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर रास्ते में कांटे हैं तो कांटे तो नहीं हटा सकते, लेकिन उन कांटों पर चलने के लिए आपको तैयार किया जा सकता है। अगर उस प्रोसेस से आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या वास्तु को कंसीडर करेंगे तो इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। और जहाँ तक आज के यंगस्टर्स की बात है जो इस चीज़ को ऑर्थोडॉक्स समझते हैं, तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि एक बार एक्सपीरियंस करके देखें तो उनको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बिना एक्सपीरियंस करे जब तक आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते आप उसका बता नहीं सकते कि वो मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, ठीक है। तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तभी आप उसका स्वाद बता पाएंगे। तो जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तब तक आप उसका बता नहीं सकते कि वो कितनी परफेक्ट है, कितनी परफेक्ट साइंस है। क्या आप मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बताया हुआ 100% परफेक्ट होता है? मैम जो बताने वाला है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो विद्या है ये गलत नहीं हो सकती। बस ये डिपेंड करता है कि जो बता रहा है उसको ज्ञान कितना है। तो आप अपना परिचय दीजिए और आज जो इवेंट रखा गया है उसके बारे में बताइए। देखिए मेरा नाम पद्म उपाध्याय है, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करता था, मैं जॉइंट डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ हूँ मिनिस्ट्री ऑफ INB से। मेरा नेटिव प्लेस ग्वालियर है, वहाँ मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर सिंधिया स्टेट के राजजोशी थे। इस तरह से मैं ज्योतिष के अंदर 4th generation, जॉब के साथ साथ मेरी ज्योतिष भी चलती रही। मैंने 10th class में था तब मैंने ज्योतिष सीखी और 25 साल तक मैंने फ्री कंसल्टेशन दिया है लोगों को। रिटायरमेंट के बाद से मैंने थोड़ी सी दक्षिणा लेना शुरू की। ज्योतिषी में आपको कब से शौक चढ़ा? क्योंकि हमारा पूरा परिवार ही इसी में था, आध्यात्मिक चीज़ थी हमारे घर में, रोज़ पूजा पाठ होता था, हवन होता था। पिताजी मेरे संस्कृत और ज्योतिष में दोनों में PhD थे, वो तो चाहते थे कि मैं शुरू से ही ज्योतिष की लाइन में आ जाऊं, लेकिन मेरा वो कहते हैं डेस्टिनी होती है आपको, तो अलग ले जाती है। डेस्टिनी के हिसाब से अगर बात करूं तो बहुत विचित्र बातें मेरे साथ हुई। शुरू में मैं मानता ही नहीं था ज्योतिष को, मैं कहता था कर्मपत्री बहुत बड़ी चीज़ है, जन्मपत्री कुछ नहीं। और मैं कॉलेज टाइम में नेशनल वेट लिफ्टर रहा, उसके बाद आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ आर्मी में ट्रेनिंग छोड़ के वापस मैं घर आया।
ये तो मेरे बैच के लोग मेजर जनरल ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए हैं। फिर मैं मॉडलिंग की फील्ड में चला गया। इस बीच मैंने एमएस साइकोलॉजी किया, एलएलबी किया, पीजी डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग में किया। फिर 85 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मेरा इस फील्ड में सिलेक्शन हुआ। लेकिन आध्यात्मिक फील्ड में मैं 1980 से जुड़ गया था। मैं क्रिया योग का साधक हूँ और देवी का भी साधक हूँ। आज जो इवेंट रखा गया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो कि ये पहला इवेंट, देखिए ये पहला इवेंट है इनका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैं यहाँ रीटा वर्मा जी को जानता हूँ, वो मुझे जानती हैं। बाकी नए लोगों से आज मेरा परिचय हुआ, जो उनका एक ग्रुप है 5 लोगों का। उन्होंने मुझे बताया था कि जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको कभी न कभी प्रोत्साहित तो करना चाहिए। और ये जैसे ही न्यूमरोलॉजी वाले हुए, टैरो कार्ड रीडर हुए, या रीकी वाले हुए, या दूसरे तरह की हीलिंग करते हैं, या दूसरे ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो एक मंच पर आएँ और आपसी विचार उसमें साझा करें, और वहाँ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता हर आदमी हर चीज़ जानता हो, पॉसिबल नहीं होता है जी। लेकिन ऐसे मंच अगर उपलब्ध कराए जाएँ ऑकल्ट साइंस के लोगों को, तो एक दूसरे से मिलते भी हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और अवार्ड की तरह उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उनको समय समय पर अगर प्रोत्साहित करता रहे तो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे वो लोग। इसलिए इस प्रोग्राम जो उन्होंने आज रखा है यहाँ पर, इसकी सार्थकता है और प्रोग्राम अच्छा चल भी रहा है और होगा भी अच्छा। युवा पीढ़ी को वैद्य के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए युवा पीढ़ी शायद पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा अवेयर है। सब लोग चाहते हैं हम कुछ अच्छा करें, और कैसे करें उनको ये पता नहीं होता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो ऑकल्ट साइंस के लोग जो हैं वो लोग उनको गाइड करते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी वाले जो होते हैं जी, या दूसरी विधा के लोग हैं, वो एक बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं और गाइड करने वाले लोग होते हैं। वो उनको बता सकते हैं कौन सा रास्ता सही है, कहाँ जाने से, बिना तुम अपना श्रम को खोए हुए, अपनी शक्ति या मेहनत को खोए हुए सीधे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ये बताने का काम एस्ट्रोलॉजी का। गुरुजी के वक्त है ये भी। अच्छा, कार्यक्रम मिल गए। पहले तो मैम आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम मीनू श्रीवास्तव है। मैं एस्ट्रोलॉजी, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ, और मैं इस फील्ड में काफ़ी समय से हूँ। मैंने फ्यूचर पॉइंट से किया हुआ है, आईकास्ट से किया हुआ है, उसके बाद पर्सनली इसको करा है, पढ़ाया भी हुआ है, उसके बाद मैं आज अपना काम कर रही हूँ इसके ऊपर। आज जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पहला एक कार्यक्रम रखा गया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं? ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से रखा गया है, उससे ये होगा कि दुनिया जहान से जो जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनको, एक तो जो हमारे पुराने हैं जो इस विद्या में बहुत टाइम से हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और जो नए हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। नए की अगर बात करी जाए तो हमारी युवा पीढ़ी जो कि आज वैद्य को और एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं 50% मानती नहीं है यंगस्टर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी मानती नहीं है, क्योंकि आज वो जरूरत से ज़्यादा लग्जरी की तरफ भाग रही है और बाहर की तरफ भाग रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं है, वो मानते हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते इस चीज़ को। तो ऐसा, और एक समय आएगा जब युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को मानेगी और अपने देश के लिए सब चीज़ करेगी। मैं आचार्य अरविंद भारद्वाज पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष करता हूँ, वैदिक केपी न्यूमरोलॉजी और वास्तु। मैं इस आयोजन में आया हूँ, रीता मैडम ने बुलाया है मुझको, वो मेरे साथ आईकास्ट में पढ़ती थी आज से 20 साल पहले। और इस आयोजन में आने का ज्योतिषी का उद्देश्य एक ही होता है कि उनको कुछ ज्ञान मिले, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं जिनके पास कई सालों का अनुभव है, 25 साल 30 साल का, और कुछ ऐसे ज्योतिषी भी होते हैं जो नए होते हैं, तो इसलिए आते हैं कि उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए हर ज्योतिषी को यहाँ आना चाहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, इसमें इतने योग ज्योतिषी लोग आए हैं जिसका हिसाब नहीं है। जैसे अजय भामी जी हैं जो पिछले 35 साल से टीवी चैनलों पर आते हैं, पद्म उपाध्याय जी हैं, ऐसे अनेक ज्योतिषी हैं जो पिछले कई वर्षों से ज्योतिष करते हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं।
और ये आयोजन बहुत बढ़िया है, सफल है। मैं यही कामना करूंगा कि आगे ऐसा और आयोजन करें और जो सफल रहे। धन्यवाद। इधर देखूं उधर कभी मेरी तरफ कभी कैमरे में। आई एम डॉक्टर किरण अरोड़ा। मैं पूछूं इस बार? हाँ जी मैम, आप अपना परिचय दर्शकों को बता दीजिए। आई एम डॉक्टर किरण अरोड़ा। पिछले 20 साल से मैं अपने डॉक्टरी लाइन में कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं। अभी मैं कॉस्मिक हीलर डिस्टेंस हूँ इंटरनेशनल। तो कोविड टाइम में मैंने काफ़ी फ्री हीलिंग्स भी लोगों को दी हैं, जिससे लोग काफ़ी ठीक हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो इसमें मुझे आके बहुत अच्छा लगा। अपने हीलिंग के साथ साथ, ट्रीटमेंट्स के साथ साथ मैं पेशेंट्स को वैसे भी ठीक कर देती हूँ, आप ये कर लीजिए और उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। तो कॉर्ड साइंस इज द बेस्ट साइंस, सिंपली आई वांट टू से दिस। जो कार्यक्रम रखा गया अवार्ड शो, जिसमें पहली बार एक एस्ट्रोलॉजर सम्मानित किया गया है जी, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें आके हमको और मोटिवेशन ज्यादा मिल रही है, हम और लोगों से मिल रहे हैं, उनके बारे में पता चल रहा है और इससे हम बहुत कुछ ज्ञान, एक नॉलेज अप्रोचेबल है, वो बहुत अच्छा लगा मुझको आके, और एक फीलिंग वंडरफुल सिंपली। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सिद्धार्थ एस कुमार हूँ, मैं फाउंडर निम्रोवाणी हूँ एंड मैं पिछले बहुत सारे सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष और दूसरी विधाओं में काम कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जिसमें लोगों अपने कर्म की ऊर्जा को कैसे इस प्रकृति की ऊर्जा से जोड़ सके, उस पे मैं बातें ज़्यादा करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर का जो सम्मानित किया गया है, एक अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आज प्रोग्राम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर इंसान को उनकी काम के लिए, उनके मेहनत के लिए उनका सम्मान होना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजर वो है जो दूसरों को उनके दुख से, उनके दुख के पलों से उनको बाहर निकालता है। एस्ट्रोलॉजर वो है जो एक व्यक्ति के जीवन में, निराशा भरे जीवन में आशा बनकर आता है और उन आशा के किरणों को, इस आशा के कतरधरता को सम्मानित करना एक बहुत ही उम्दा कदम है इन्फिनिटी फाइव का, जिन्होंने इन सब का सम्मान किया और उन आशा, जो लोगों के उस निराशा भरी दुनिया में आशा फैला रहे हैं, उनको बेहतर किया। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है लोगों का सम्मान करना, लोगों को उन्होंने जो काम किया है, जो सफ़र को वो हर दिन, हर पल, हर लम्हा कर रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। युवा पीढ़ी को वैदिक से लेकर क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि हर पुरानी चीज़ बुरी नहीं है जी। हर पुरानी चीज़ों में भी कुछ अच्छा ही है, चाहे वो वेद हो, हमारे उपवेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब में जीवन को सीखने की बहुत सारी सीख है। पिछला कुछ वर्ष जो हमारा पैंडेमिक में कोरोना के समय बीता, ये शायद एक बहुत ही अच्छा समय था हमें अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करने के लिए, खुद के जीवन को अवेयर होने के लिए। वेद या ज्योतिष किसी चमत्कार का नाम नहीं है, ये हमें जीवन जीने का तरीका बताता है, जीवन जीने का सलीका बताता है। तो वेद हमारे जीवन को जीने का एक ऐसा रोड मैप है जो हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं आचार्य रीता वर्मा और आज जो है हम आए हुए हैं इन्फिनिटी जो है इस ग्रुप पे, हमारा जो है 5 लोगों का एक बहुत अच्छा जो है ग्रुप चल रहा है। और ज्योतिष जो है, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और इस विद्या में मैं 2001 से जो है इसमें आई हुई हूँ। और मैंने अपने इस फील्ड में, जैसे जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कभी ये नहीं किया कि मुझे अपना मतलब जेब में डालना है या मुझे अपना फ़ायदा करना है, क्योंकि ज्योतिष एक माध्यम है अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे को रोशनी दिखाने का। और कोशिश मेरी यही रही है कि मैं इस अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखाऊं, किसी भी लालच में ना पड़ के जो है, जो एक व्यक्ति जब आता है आपके पास प्यासा बन के आता है और प्यासा कुएं के पास आता है, अगर आप उसकी प्यास नहीं बुझा सकते तो ये थोड़ा सा कहीं गलत लगता है। और ये जो है, मैंने ज्योतिष 2001 से शुरू करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ और इस जो ज्योतिष के माध्यम से मैंने बहुत से लोगों का जो है आने वाले टाइम में और जो टाइम चला गया है, मेरे को ये है कि मैं इस अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को काफ़ी रास्ता दिखाऊं, काफ़ी ज्ञान दूं और जो है लालच में ना पढ़ के जो है इस विद्या को खूब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हर घर में जो है एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, ताकि ये ज्ञान सभी के बीच में वो हो। मैं चाहती हूँ कि मतलब एक फैमिली में हर एक बच्चा जो है या घर का एक फैमिली मेम्बर इस मतलब विद्या को ज़रूर सीखे, ताकि कोई भी किसी को इस भ्रम में ना डाल सके, क्योंकि लोग क्या करते हैं ज्योतिष के माध्यम से एक दूसरे को गुमराह करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा ज्ञान इसका रखे, ताकि कोई भी इसको जो है इसको मतलब भ्रम में ना डाल सके और उसको रास्ता दिखा सके। थैंक यू सो मच। आने का आपका इंटरेस्ट कब से? मैंने 99 में ये
मतलब ऐसे किसी से मिलने गई और कुछ मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। तो जब मैं उनके पास गई तो वो मतलब जैसे होता ना देख देख के पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि ये कैसे कर रहे हैं, मतलब हाउसेस पढ़ रहे हैं कैसे, मतलब नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें आया, और फिर थोड़ा सा ये भी था कि हम अगर किसी के पास जाएँ तो एक हमें अच्छा कोई मतलब वो रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। तो तभी से जब ये मैंने देखा कि मतलब ये विद्या इतनी गूढ़ है कि आने वाले भविष्य के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बता सकती है, तो मैंने ये विद्या फिर तब से वहाँ से सीखना शुरू किया। ये सफ़र मेरा शुरू हुआ और आज मैं जो है यहाँ तक हूँ। आज जो इन्फिनिटी फाइव में एक एस्ट्रोलॉजर को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है हमने यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सब किसी ना किसी एक फील्ड से जो है जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये फील्ड मतलब एक परिवार के रूप में जुड़े और ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है वो बटे। थैंक यू। परिचय देना है, ठीक है, एंड आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताना है। नमस्कार जी, मैं मिसेज नीता अग्रवाल, डॉटर ऑफ मतलब सूर्य अग्रवाल की मदर हूँ। बच्चों ने इतनी मेहनत करी है एस्ट्रोलॉजी के सेमिनार में, आप देखिए इतने एस्ट्रोलॉजर आए हैं। सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि खुश होके जाएं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे के जाएँ, इनका प्रोग्राम सक्सेस बने। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो सबको आनी चाहिए, ये बारिश में आपको छाता देने का काम करती है। हाँ ठीक है, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ये हर इंसान को एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। मैं चाहती हूँ इनका हाथ पकड़िए और सब आगे बढ़िए, अपना आशीर्वाद इनके साथ बराबर रखिए। धन्यवाद। मैम, थैंक यू। नीना जैन, दिव्या बाला श्रीवास्तव, दिव्या बाला श्रीवास्तव, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम, कृतिका गुप्ता, किरण श्रीमान, एक्सक्यूज मी मैम, मैम, यस प्लीज, थैंक यू, किरण श्रीमान, साथ में यहाँ पे आई मैम, मैम, एक्सक्यूज मी, वंदना जैन, देखो अगर आप तालियां बजाओगे ना तो जब आपको अवार्ड मिलेगा तो सब तालियां बजाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, वेट, योगेश कुमार जैन जी, रानी लता नामदेव, यस प्लीज, इसके लिए
दोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, वेट। थोड़ा सा साथ में हो जाओ प्लीज मैम, साथ हो जाओ प्लीज। गरिमा माथुर जी यहाँ पे आई। गरिमा माथुर, यस प्लीज। कविता चैतन्य, कविता चैतन्य। डॉक्टर कपिल वर्मा, हो गया जी। मैम इधर आई मैम। आचार्य अक्षिता सिंह, आचार्य अक्षिता सिंह। राणा सागर जी, यस प्लीज मैम। यस प्लीज। Excuse me.
कट जाएगा फिर सारा कुछ। एक्सक्यूज मी, मैम डॉक्टर सिमी सहूता जी, डॉक्टर सिमी सहूता जी, एक्सक्यूज मी, गुरुजी देवेंद्र सिंह जी, गुरुजी देवेंद्र सिंह, एक्सक्यूज मी, फेस क्या आ रहा थोड़ा सा। यस प्लीज, पांडे है, मैं एक संजीवनी साधक हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसनर हूँ मैं। आज हमारी तरफ से इन्फिनाइट फाइव की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ पे उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने जीवन में अध्यात्म को या अकल्ट साइंस को थोड़ा कुछ भी दिया है या सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी वो एज ए मेंटर, एज ए टीचर काम कर रहे हैं। यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग जनरेशन
जनरेशन को मैं संदेश देना चाहूँगी कि जितना ज़रूरी आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप सीख रहे हो, जो अचीवमेंट, जो सक्सेस, जो कोर्सेज कर रहे हो, उतना ही इस साइंस को भी समझना ज़रूरी है। ये एक साइंस है, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में इसका भी एक बड़ा रोल हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि डेफिनेटली उन्हें इसे एक बार समझने का ज़रूर अपने आप को मौका देना चाहिए। इन्फिनिटी फाइव का आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत शानदार, जानदार, बिल्कुल लोगों में जान आ गई। आप लोग आने से जो है शान बढ़ गई हमारी। थैंक यू। फ्रेंडशिप डे पे मैं कहूँगी सबसे पहले खुद से दोस्ती करो। हम सबसे ज़्यादा दुश्मनी अपने साथ ही करते हैं, है ना? नाराज़ होके, गुस्सा होके, दुश्मनी करके, अपने को कम आँक के। तो सबसे पहले अपने से संबंध बनाइए, आज एक शुरुआत करिए, अपने साथ दोस्ती करिए। लोगों के साथ तो हम करते ही रहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम गरिमा माथुर है। मैं टैरो में 15 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। टैरो कार्ड्स को लेके लोगों का एक अंधविश्वास है कि ये ब्लैक मैजिक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ ब्लैक नहीं है, ये टोटली इंट्यूशंस पे चलता है। ये आपके ही मेडिटेशन पे डिपेंड करता है। आपको कैसा भी डाउट है, आप मेरे साथ जुड़ के देखें। आपको पहले आपके साथ जो हुआ हुआ है वो बताया जाएगा, और उसके बाद आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाएगा, जिससे आपका विश्वास बने। थैंक यू। जो आप कह रहे हैं प्रिडिक्ट किया जाएगा, कितना सही होता है और कितना? देखिए, 15 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, और जितने भी क्लाइंट्स हैं 15 साल से मेरे साथ जुड़े हुए ही हैं। तो ऐसा है तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली रीडिंग आप लोगों को फ्री मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सही जा रही है रीडिंग, तो आप मेरे साथ बाद में कंसल्टेशन ले सकते हैं। इन्फिनिटी फाइव की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया एस्ट्रोलॉजर को सम्मानित करने का, उसके बारे में आपको क्या लगेगा? देखिए, यहाँ के मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट एक तरह से प्रोत्साहन मिला है यहाँ पे लोगों से जुड़ने का, और हर तरीके के लोग हैं, हर फील्ड में जुड़े हुए हैं, कई सालों का उनको एक्सपीरियंस है, तो उनसे कुछ सीखने को ही मिल रहा है। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें होती रहे, जिससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिले और अच्छे अच्छे लोगों से ज्ञान प्राप्ति हो। यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए टैरो से ज़्यादा मैं उनसे कहूँगी कि देखिए, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में ही है। हम डिक्शनरी फॉलो करते हैं, हम
चौरस देखते हैं, ध्यान में उतरेंगे सारे आंसर्स हैं, तो सबको ज़रूरी है कि थोड़ी देर अपना मोबाइल छोड़ के इफ़ पॉसिबल ध्यान करें 5 मिनट भी, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। मैं आचार्य सोनिया ओम यादव और जहाँ मेरा ऑफिस है वो द्वारका सेक्टर 19 में है, एस्ट्रो पॉइंट के नाम से। और बहुत सारे आज दिग्गज लोग आए हैं, इस संगोष्ठी कह दीजिए या ज्योतिष सभा कह दीजिए या ये कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, यहाँ ज्योतिषों की एक से एक दिग्गज लोग आए हैं जिनसे परिचय करके इतना अनुभव आया है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। सूर्या मैम है जैसे यहाँ पर, उनसे पहली बार मैं सम्मान प्राप्त कर रही हूँ, ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। ऐसे संगोष्ठी और ऐसे प्रोग्राम्स और भी होते रहे दिल्ली में, ज्योतिष इतना अच्छा है, ज्ञानवर्धक है कि हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे जीवन के लिए ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें नंबर से, हमारी ज्योतिष कुंडली से, हमारे टैरोट्स कार्ड जिसे हम क्विक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज और टेक्निक्स हैं कि जिनसे हम अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी अपनी लाइफ जी सकते हैं, नई से नई अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, पैसा, पावर, जितने भी हमारे ये पॉलिटिशियंस होते हैं सबको चाहिए कि एक बार ज्योतिष उनके जीवन में आना जरूर चाहिए। ज्योतिष का मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये एक शिक्षा है, ऑकल्ट है, बहुत बेहतर इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक से एक दिग्गज यहाँ पर आए हैं जिनका अनुभव कई वर्षों का रहा है, बहुत समर्पण रहा है उनका, तो मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये सम्मान आज प्राप्त हुआ है, तो मैं बहुत तय दिल से सूर्या मैम का और बड़े बड़े जितने भी आगे यहाँ गुरु जी लोग आए हैं उनका सम्मान करती हूँ हृदय से, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ऐसे सब कुछ यहाँ देखने को मिले। थैंक यू। आचार्य हंसराज शास्त्री, मैं गुजरात बड़ौदा में रहता हूँ और यहाँ खास इस कार्यक्रम के अंदर आया हुआ हूँ मैं। आप गुजरात से आए जी, कार्यक्रम आपको कैसा लगा सर? जी बहुत बढ़िया लगा और बहुत जानने को भी मिला और हम जो जानते थे उसको बहुत लोगों को बांटने का भी मौका मिला। आप जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं सर, जी, यंग जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्योतिषीय गणना के बाहर हो, तो जो भी काम करना है वो अपने ग्रहों के अनुकूल है कि नहीं है वह देख के ही करना चाहिए। और आज जैसे फ्रेंडशिप डे भी है सर, तो अच्छा वो तो हम भूल ही गए थे इसके सिलसिले में जी, तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंडशिप डे के दिन योगानुयोग सभी इतने सारे मित्र एकत्रित हुए, उसके लिए भी जिन्होंने आयोजन करवाया उसका भी धन्यवाद है कि फ्रेंडशिप डे के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया उन्होंने। वेद का क्या महत्व है इसके लिए? सो मायसेल्फ डॉक्टर सूर्या अग्रवाल, आई एम अ टीम मेंबर ऑफ इन्फिनिटी 5 और आज हमने स्टार ब्रिलियंस अवार्ड का एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट प्लान किया जिसपे डॉक्टर पदम उपाध्याय जी, अजय भामी जी और सिद्धार्थ सर आए और बहुत सारी हस्तियाँ आज हमारे साथ जुड़ी और जितने लोग हमारे साथ, मोर देन 180 पीपल हैव जॉइन टुडे स्टार ब्रिलियंस अवार्ड एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल ईच वन ऑफ देम कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस हमें दी। सो ऑन द बिहाफ ऑफ इन्फिनिटी 5 टीम, मी डॉक्टर सूर्य अग्रवाल थैंक्स ईच एंड एवरी पर्सन कि उनकी वजह से आज हमारा ये जो इवेंट है वो सक्सेस हो चुका। थैंक यू।